मेरे चैनल में स्वागत है दोस्तों। आप लोगों का आज की जो वैकेंसी वो बीएसएफ से रिलेटेड है, जिसमें कि 172 पोस्ट हैं और एजुकेशन 10th प्लस आईटीआई या फिर 12th आपके पास होना चाहिए। ऑल इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके प्रोसेस में जाएंगे दोस्तों, इसको डिटेल्स में देखते हैं इसकी वैकेंसी। इससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा उसको प्रेस कर दें, जिससे टाइम टू टाइम आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें दोस्तों। ये भर्ती है दोस्तों हेड बीएसएफ रिक्रूटमेंट हेड कांस्टेबल के 172 पदों पर भर्ती। 12 जून तक कर सकेंगे आवेदन। इसके बारे में डिटेल्स में एक न्यूज़ है, इसको देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या आपके पास जो है फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और इसके नोटिफिकेशन में भी चलेंगे, उससे पहले आप लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में जो है 1072 रेडियो ऑपरेटर कांस्टेबल और रेडियो मैकेनिक के लिए जो है इन्होंने आवेदन मांगा हुआ है। इन पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार जो है योग्य हैं। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया जो है 14 मई 2019 से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जून 2019 है। और इस तरह के आरक्षण और आयुष्मा में छूट का लाभ केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा दोस्तों। और रिक्त पदों योग्यता चयन और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो है मैं यहां पे पढ़ रहा हूं आपके पास। सबसे पहले हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर जो है उसके टोटल 300 पद हैं। उसके लिए योग्यता दोस्तों मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास होनी चाहिए। इसके साथ ही रेडियो एवं टेलीविज़न या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोसेसिंग असिस्टेंट या डाटा प्रिंट प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए। एक तो आपके पास 10th पास या फिर जो मैंने ये पढ़े ये डिप्लोमा होने चाहिए आईटीआई से रिलेटेड, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ बारहवीं की परीक्षा न्यूनतम 60% अंकों के साथ पास होनी चाहिए। दो दो ऑप्शन है आपके पास, तो आप जो भी उसमें सूट होता है आपको वो आप लोग चूज करना होगा दोस्तों। इसमें 60% लिखा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ बारहवीं की परीक्षा न्यूनतम 60% अंकों के साथ पास होनी चाहिए। या तो आपके पास पहले वाला ऑप्शन होना चाहिए या फिर दूसरे वाला ऑप्शन होना चाहिए। आप दोनों में से कोई भी आपके पास है तो आप उसके लिए एलिजिबल है। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक उसके लिए जो है 772 पोस्ट है। इसके लिए दोस्तों 10वीं की परीक्षा पास होने के साथ मान्यता प्राप्त संस्थानों से रेडियो एवं टेलीविज़न या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम मेंटेनेंस या कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर नेटवर्क टेक्नीशियन या मैकट्रॉनिक्स अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर में 2 वर्षीय आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए। एक तो आपके पास 10th पास प्लस ए डिप्लोमा इनमें से कोई ना कोई होनी चाहिए, अथवा मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ बारहवीं की परीक्षा न्यूनतम 60% अंकों के साथ पास होनी चाहिए। दो ऑप्शन है दोस्तों, या तो पहले वाला होना चाहिए आपके पास 10th पास होना चाहिए प्लस इनमें से जो भी डिग्री मैंने पढ़ी है वो होनी चाहिए, या फिर आपके पास 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और जो है मैथ विषय के साथ 60% आपके अंक होने चाहिए, तब भी आप एलिजिबल हैं। आयु सीमा की जहां तक दोस्तों बात है, न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 25 वर्ष है। आयु की गणना 12 जून 2019 के आधार पर की जाएगी। अधिकतम आयु में SC उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष और OBC श्रेणी के उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। वेतन मान दोस्तों अच्छा खासा यहाँ पे 25,500 रुपये से 81,100 रुपये। इसके साथ ही अन्य भत्तों को भी लाभ मिलेगा जो कि समय समय पे बढ़ते रहते हैं। DA वगैरह बढ़ता रहता है, और अन्य जो क्षेत्रीय भत्ते होते हैं जहाँ का एरिया है हाइल्टी एरिया में जाओगे वहाँ पे अलग मिलता है। आप JNK में जाओगे या फिर कहीं आप आसाम में जाओगे या फिर आप राजस्थान में जाओगे तो अलग अलग एरिया का अलग अलग अलाउंसेस होते हैं, वो आपको मिलते रहते हैं। वो भी समय समय पर बढ़ते रहते हैं गवर्नमेंट के नियमानुसार। चयन प्रक्रिया दोस्तों, उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी, इसके लिए आपको कुल 200 अंकों निर्धारित किए गए हैं। पहला परीक्षा जो OMR सीट पर आधारित होगी। OMR सीट जो होती है दोस्तों आप लोगों ने दिया होगा,
पेन पेपर मोड पर, और इसमें कुछ 100 विकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 क्वेश्चन होंगे। इस परीक्षा में फिजिकल केमिस्ट्री मैथमेटिकल अंग्रेजी और जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए उम्मीदवारों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था भी लागू होगी। हर गलत अंक पर जो है 1/4 अंक यानी 25.25 नंबर आपका काट दिया जाएगा। लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता और शारीरिक मापदंड परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये एक फोर्स की भर्ती है, अर्धसैनिक बल है और बेल्ट की नौकरी है, तो इसके लिए आपके लिए फिजिकल मापदंड तो होना आवश्यक है ही है। सारी मापदंड परीक्षा का स्वरूप इस प्रकार है। आपकी जो पुरुष है उनकी लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिला जो है 157 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है आप लोगों का। जो पुरुष है दोस्तों उनका जो चेस्ट हो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए और फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर एस्ट यानी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन दो है, लंबाई और आधार आयु के आधार पर दोस्तों एक चार्ट होता है और उसमें आपका लिखा रहता है कि किस लंबाई के आधार पर कितनी आपके वेट होना चाहिए, वो एक चार्ट होता है, तो उसके हिसाब से आपका होना चाहिए। सारी दक्षता परीक्षा स्वरूप पुरुषों के लिए जो दौड़ है दोस्तों वो है लगभग 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर और आपको उसके लिए टाइम मिलेगा 6 मिनट और 6.5 मिनट में आपको पूरा करना होगा। लंबी कूद 3.65 मीटर तीन बार आपको ट्राई करने के लिए मिलेंगे, 3 ट्राई में आपको क्लियर करना होगा। ऊंची कूद जो है 1.2 मीटर इसके लिए भी तीन प्रयासों में आपको इसको पूरा करना होगा। महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ है जिसको आपको 4 मिनट में पूरा करना है। लंबी कूद जो है उनके लिए 9 मीटर है, उनके लिए भी 3 प्रयास हैं और ऊंची कूद है 3 फीट है उसकी, उनके लिए भी 3 प्रयास ही मिलेंगे। आगे लिखा है दोस्तों सारी मापदंड और दक्षता परीक्षा में पास होने के बाद उम्मीदवारों और प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा यानी आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। इसके बाद उम्मीदवारों को तीसरे चरण में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो कि पेन और पेपर मोड का होता है दोस्तों, यहाँ परीक्षा कुल 150 अंकों की निर्धारित होती है। इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार को 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया है। इस परीक्षा में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग और अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस परीक्षा के लिए बाद उम्मीदवार को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग करना होगा, डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग करना होगा। डिक्टेशन टेस्ट के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षण कर अंतिम चयन किया जाएगा। दोस्तों ये प्रोसेस यहाँ तक था, सेलेक्शन प्रोसेस था। अभी जो है आवेदन शुल्क के बारे में दोस्तों, सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये है जबकि एससी एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से जो भी आपके चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या फिर ई वॉलेट हो, जो भी हो उसके थ्रू आप लोग कर सकते हो। जिस उम्मीदवार को दोस्तों जो भी इसकी इच्छुक हैं, जिसको नौकरी की इच्छा है या फिर इसमें जाने का इंटरेस्टेड, वो जो www.bsf.nic.in पर लॉग इन कर जो है अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन इसका लेट में है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था। इसका प्रोसीजर लिखा है दोस्तों कि किस तरह से आप लोग इसका जो है आवेदन कर सकते हो। काफ़ी लंबा चौड़ा हिसाब किताब है इसका। ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की तिथि दोस्तों 14 मई से शुरू होगी और लास्ट डेट जो है 12 जून 2019 होगा। ऑनलाइन शुल्क भुगतान की तिथि जो है 12 जून 2019 है और वेबसाइट इसकी www.bsf.nic.in पे है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसीजर था, आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अच्छी वैकेंसी है दोस्तों आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छी पेमेंट अच्छी खासी यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों एक नोटिफिकेशन खोलता हूँ मैं, इसलिए नोटिफिकेशन से चलते हैं एक बार देखते हैं डिटेल्स में। ये दोस्तों इसका नोटिफिकेशन खुल गया है और आप लोग देख सकते हो इसमें वही कहानी लिखी है दोस्तों जो मैंने आपको बताई, वही सेम कंडीशन है। हाँ इसमें थोड़ा सा उसमें डिटेल्स में लिखा है, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो कहीं से भी नेट में जाके, या फिर इसको पढ़ सकते हो आप लोग जो भी लिखा हुआ है इसमें, क्या क्या इसके लिए अनरिजर्व के लिए कितना पोस्ट है, EWS के लिए, OBC के लिए, SC के लिए, पोस्ट वाइज डिटेल दिखा है आप लोग देख सकते हो। वैकेंसीज के बारे में इसमें लिखा हुआ है, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी दोस्तों इसके हिसाब से। OMR बेस्ड टेस्ट होगा, सेकंड फेज के लिए होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, थर्ड फेज के लिए क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा वगैरह वगैरह। एलिजिबिलिटी क्या क्या है इसके लिए, जो एज लिमिट है वो क्या क्या है, 18 से 25 वर्ष। कैटेगरी वाइज जो है दिया हुआ दोस्तों, OBC के लिए 43 साल तक अप्लाई कर सकते हो, SC एंड ST के लिए 45 साल तक, जनरल कैटेगरी 40 साल तक कर सकते हैं,
ओबीसी 8+3, SC 10+5, ये आप और जो एक्सेस मैन के लिए डिटेल्स में दिया है यहाँ पे कौन कौन जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट दी है जो मैंने आपको बता दी पहले ही, और EWS जो दोस्तों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उसके लिए भी इन्होंने पोस्ट डाले हैं ये पहली बार, और इसको आप लोग पढ़ सकते हो यदि पढ़ना है आप लोगों को। तो नेट थोड़ा ठीक नहीं चला इसलिए आप लोगों के क्लियर होने में टाइम लग रहा है। तकरीबन 20 पेज हैं इसमें, और फिजिकल स्टैंडर्ड दोस्तों वही है जो मैंने पहले बताया था, और जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार दोबारा ज़रूर देखें इस वीडियो को। अच्छी खासी वैकेंसी है दोस्तों, आप लोगों को ज़रूर अपना अप्लाई करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है और अच्छा करियर है यहाँ पे। ये प्रोसीजर लिखा है इन्होंने और ये रीजनल वाइज जो है सेंटर के लिखे हुए हैं, सेंटर के बारे में डिटेल्स में लिखा है। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ पा रहे होंगे इसको, मुझे लगता है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पक्का। बैकवर्ड क्लास के लिए जो सर्टिफिकेट है दोस्तों वो इस टाइप से होगा, इसको आपको ले जाना होगा जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, और जो डिक्लेरेशन फॉर ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए ये है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो ये दिया हुआ है इन्होंने, पूरा सभी सर्टिफिकेट दिए हुए हैं इन्होंने यहाँ पे दिखा है। यहाँ पे फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट दोज हु इंटेंड टू अवेल रिलैक्सेशन इन हाइट और चेस्ट मेजरमेंट में, जो चाहते हैं बोला है कि जिनको छूट चाहिए वो इसमें लिख सकते हैं। तो छूट किस बेस पे चाहिए, जो उनके नियमानुसार खड़े उतरेंगे, जो उन्होंने दिए हैं क्रिटेरिया उसके हिसाब से होगा। इकोनॉमी वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से बनना है। तो ये टोटल दिया हुआ है दोस्तों, इसको आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, और यही नहीं तो आप इसकी वेबसाइट जो भी है इसकी BSF की वेबसाइट है उस पर जाके देख सकते हो इस पर, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ठीक लगा होगा, ज़रूर इसको शेयर और लाइक करें दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम।